दोस्तों हमारी वैगनर कार में हमें क्लॉक सेटिंग करने के लिए हमें पहले चाबी को ऑन करना है। देन उसके बाद हमें जो होता ना स्पीकर जो चालू है हमें उसको इस बटन दबाकर ऑफ करना है। इससे पावर ने लिखा हुआ आएगा जो स्पीकर का नाम है, और उसके बाद हमें उस पर दबा देना है, दबा के रखना है। क्लॉक सेट आया, उस पर क्लिक मारने का है। उसके बाद 1 2 3 4 जो अभी मेरे घड़ी में 12 बजे इसलिए मैंने 12 बजे रखा है, उसके बाद ये ऑप्शन क्लिक करने का है जिससे बाजू वाला जो सेकंड वाला होता है ना वो चालू हो जाता है। उसको हम ज़्यादा आगे पीछे कर सकते हैं। अभी मेरी घड़ी में हुए है 12:38 हुई है, तो मैं वही टाइम रख रहा हूँ, थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि गाड़ी में होता ही है कई बार इसे टाइम आगे पीछे कर सकते हैं। इसे घुमाने से पीछे होता है और आगे घुमाने से आगे होता है। मैं 12:39 करता हूँ PM, दोपहर का टाइम है, तो मैं इसे क्लिक मारता हूँ, फिर भी ये बदलता रहता है। उसके बाद हमें जो टाइम जो हमने एडजस्ट कर दिया है इसके दबाने के बाद ये पावर दबा देने का है। उसके बाद हमें ये जो है ना टाइम देखने का टाइम इस पर क्लिक करने का है जो हमको टाइम दिखाता रहेगा। देखिए यही हमारा टाइम सेटिंग सिस्टम है।